गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हिच इज रूट्स व्लॉग। कैसे आप सब लोग फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबकी वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे और थंबनेल लेके आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो है एक ऐसी जगह का जो हम सब की दोस्तों खाना खाने के टाइम पे अगर चॉइस की बात करें तो वन ऑफ द फेवरेट प्लेस होती है, जो कि हाईवे पे ढाबा। उसका नाम है ब्रेक पॉइंट ढाबा, जो कि पड़ता है फैजाबाद रोड पे, बाराबंकी की तरफ। आप बीबीटी से जब पढ़ेंगे तो एक नहर पड़ेगी, नहर बस खत्म होगी, लेफ्ट हैंड साइड से आपको दिख जाएगा। और यहाँ का स्टार्टअप हुआ था एक नॉर्मल से ढाबे से, जिसमें लोग खाट पे बैठ के ट्रक वाले खाते थे, लेकिन अब इसके टेस्ट की वजह से ये बढ़ के बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट बन गया। साथ ही साथ आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अच्छी खासी मतलब गैदरिंग कर सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शन कर सकते हैं। तो बिना देरी करें चलिए फटाफट से इसका टूर करके आइए और वीडियो को शुरू करिए। तो चलिए चलते हैं। ओपन एरिया, और यहाँ पर जो आपको अगर खुले में खाना खाने का मन है, ताज़ी हवा चल रही है, अच्छा सा माहौल है, या जाड़े हैं, या शाम को गर्मियों में खूब प्यारी सी हवा चलती है और हम लोग धीरे धीरे अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ की चाय भी तो मिट्टी में बनती है और साथ में मिट्टी में ही मतलब कुल्हड़ में सर्व होती है। तो बस जिन लोगों को नेचर से प्यार है या जो लोग खुले में खाना खाना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सी जगह है, आप यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप कह सकते हैं हम लोग की वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहाँ पर वेज, नॉन वेज, चाइनीज, साउथ इंडियन और चाट सब कुछ मिलेगा। आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ पे आ जाना और मज़े से अपना मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिले एक भैया जो कि बाराबंकी से आए ब्रेक पॉइंट ढाबा का खाना खाने, जो कि लखनऊ और बाराबंकी के बीच में ही पड़ता है। तो भैया यहाँ क्या खाने आए आप? यहाँ पे हम आए शाकाहारी खाना खाने आए हैं। शाकाहारी खाना खाने आए हैं, पंडित हैं आप जी? अच्छा, तो भैया यहाँ पे शाकाहारी खाना प्रेफर करते हैं, तो यानी कि यहाँ का शाकाहारी खाना भी बहुत टेस्टी होता है। भैया क्या खाएंगे आप यहाँ पे? अभी हम चिली पनीर खाएंगे। तो चिली पनीर खाएंगे? अरे वाह। तो फ्रेंड्स चाइनीज खाने आए हैं यहाँ पे, चिली पनीर और रोटी खाएंगे। अच्छा, थैंक यू भैया। तो दोस्तों ये एक भैया थे जो कि वेज चिली पनीर खाने आए। सोचिए जो उनकी एज है, लेकिन यहाँ का चिली पनीर अगर उनको टेस्ट में अच्छा लग रहा है और वो खाने के लिए वो यहाँ तक आए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात होगी इस ढाबे के चिली पनीर में। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत प्यारी सी फैमिली मिली। आप कहाँ से हैं? हाँ, बस्ती से। तो दोस्तों ये लोग बस्ती से यहाँ खाना खाने आए थे, काम से आए थे? काम से भी आए हैं और खाना भी यहाँ खा रहे हैं। तो खाना पहली बार खा रही हैं आप? नहीं, पहली बार नहीं, हमको दोबारा हो गया भाई। पहली बार तो बता रहे हम पार्टी में खाना गया था यहाँ से। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, आप लोग की बर्थडे पार्टी हुई थी तो यहाँ से खाना गया था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं बर्थडे पार्टी या कोई भी छोटे मोटे ओकेजन के लिए। तो आपको तब यहाँ का खाना अच्छा लगा जी? तो वेज खाना आप खाते हैं कि वेज, नॉन वेज दोनों? ओनली वेज। तो क्या आज मंगाया था आपने? मिक्स वेज था, दाल फ्राई था। अच्छा था। तो फ्रेंड्स ओवरऑल कहने का मतलब है आपका, आप सबका, कि खाना बढ़िया है। एक बार आइए, बिल्कुल ढाबे जैसा जो टेस्ट होता है ना, जो खोता जा रहा है कहीं तलक, वो यहाँ पे मिलेगा लोगों को आने। थैंक यू, आप लोग खाइए। तो दोस्तों जो टेस्ट ढाबे का डे बाई डे ख़त्म होता जा रहा है लोगों का, यहाँ पे जो लोग आके खा रहे हैं, एक बस्ती से आए, एक बाराबंकी से, उनका ये कहना है कि ढाबे का जो टेस्ट हम लोग ढूंढते हुए माइंड सेट करके आते हैं, वो यहाँ पे उन्हें मिलेगा। तो एक बार आना तो बनता है और एक मौका ब्रेक पॉइंट को देना बनता है।
लग चुका है हम लोग के सामने स्टार्टर, जो कि बहुत बहुत बेहतरीन क्वांटिटी है। ये हाफ की क्वांटिटी आपको हम दिखा रहे हैं। ये है इनका पनीर टिक्का। और फ्रेंड्स, पनीर के पीसेस आपको तोड़ के दिखाते हैं हम, कितने बड़े बड़े हैं दोस्तों। आप देखिए, मतलब एक एक पनीर पीस सफिशिएंट है एज अ स्टार्टर कंज्यूम करने के लिए, और चार लोगों के लिए खाना बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। साथ में मेरे चिकन रोस्टेड, ये भी भैया हाफ हाफ की क्वांटिटी है ये सारी, तो ये भी हाफ की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। चार लोगों के लिए एकदम सफिशिएंट है। दो दो करके आठ पीसेज उन्होंने हमें दिए हैं, जो कि दो लोग दो करके आप चार लोग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास इनका स्टार्टर है, जो कि यहाँ का सिग्नेचर है, सबसे ज़्यादा लोग ये पसंद करते हैं। ये इनका है चिकन काली मिर्च, और ये मेरे लिए भी नया, ये हमने कभी टेस्ट नहीं किया। और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, ये एकदम डिफरेंट है, और काली मिर्च है तो कलर उसी हिसाब से दिया गया है बाकी। और अब टेस्टिंग करके और आपको बताते हैं, तो शुरुआत करेंगे पनीर से। तो फिर आएगा पनीर टिक्का, एक टिक्का पहले लेंगे और उससे आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है इनका पनीर टिक्का। और देखने में तो बहुत बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारी भूख को बढ़ा देती है। साथ में ग्रीन चटनी भी है, तो इसके बिना इनकम्प्लीट लगेगा दोस्तों। दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग फ्लेवर्स। आई एम नॉट अ पनीर लवर, बट स्टिल आई एम सेइंग मैरिनेशन इज टू गुड। फुल्ली ढाबे का फ्लेवर आ रहा है, मस्त पनीर टिक्का है, एकदम मज़ेदार। कुछ मतलब आपको तो मज़ा आ जा रहा है, बिकॉज यू रियली लाइक पनीर ना। आज तो मुझे पानी भी आ रहा है, दो जो पनीर लवर्स हैं उनको ये बहुत पसंद आएगा। अब प्लेटिंग को छोड़ के इसी से हम खा के बताते हैं। ये रहा चिकन रोस्टेड, और ये रहा मेरा फेवरेट पीस, और ये देखिए रोस्टेड का तो दोस्तों बिल्कुल ढाबे वाली फील आ रही है, फुल्ली आ रही है। और ये अच्छी चीज़ है, मेरा कैमरा मैन की लाल लाइट क्योंकि नीचे आ जाएगी। रोस्टेड इज गुड, पनीर टिक्का इज गुड, दोनों पास होगा। सबसे ज़्यादा मुझे वेट है जिस चीज़ का, वो इनका भाई काली मिर्च का चिकन, जो कि इतनी तारीफें सुन रहे हैं जब से हम आए। तो ये रहा काली मिर्च का चिकन, आप सो लॉन्ग लॉन्ग हम ये टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ का तो पहली बार टेस्ट कर रहे हैं, बट काली मिर्च चिकन खा रही मेरे को बहुत टाइम हो गया। ये रहा काली मिर्च का चिकन, ये डिश रिटर्न की, जो दोनों चीज़ों में कहीं कभी मिल जाएगी ये डिश दोस्तों। हिटर सबसे ज़्यादा फ्लेवर आया है काली मिर्च का और कसूरी मेथी का, बहुत लाइट फ्लेवर है, हैवी नहीं है खाने में। इसको आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट स्टार्टर के साथ एज अ स्टार्टर खाने में आपको और मज़ा आएगा। इसके साथ कुछ नहीं चाहिए, ना चटनी ना प्याज, कुछ नहीं ना थिंग। ये अपने आप में एक बेहतरीन टेस्ट है, और पता नहीं उन्होंने और क्या क्या डाला उसमें, हम नहीं घुसना चाहेंगे। बट आप यहाँ आइएगा तो ये डिश ज़रूर ट्राई करिएगा, कि क्यों है सबकी इतनी फेवरेट, ये आपको ये खाने के बाद पता चलेगा। और हम खा रहे हैं, आप भी इंजॉय करिए। दिस इज बेस्ट। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब बैठे हैं ओनर के साथ, जो कि हैं ब्रेक पॉइंट ढाबा के। और आप ये सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन भैया आप बताइए सबको। हाय, मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ ब्रेक पॉइंट ढाबा। एक्चुअली मेरे पापा ने ये स्टार्ट किया था ईयर 1995 में। अच्छा। और तब से ये चल रहा है, और जब शुरुआत हुई तो हम लोगों ने काफी मतलब ढाबा स्टाइल में ही था। अच्छा। और आज रेस्टोरेंट हो गया। हाँ, सुनते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ खटिया पड़ी होती थी, खाटे जो पहले चलती थी, और ज्यादा ट्रक ही निकलते थे, तब इतनी कॉलोनी यहाँ पे डेवलप नहीं थी। यहाँ पे इतनी जैसे क्या कह सकते हैं कि नहीं था ये डेवलप उतना एरिया, तो बस जो हाईवे पे ट्रक्स गुजरते थे वो लोग ज्यादातर बैठ के यहाँ पे खाते थे। तो वैरायटीज भी तब कम रही होंगी। हाँ, बहुत कम थी तब तो, वैरायटीज भी बहुत कम थी इनफैक्ट। और
पूरा मतलब हमने ढाबे के फॉर्म में ही खोला था उसको। अच्छा। और आज फिर धीरे धीरे अपग्रेड करते गए और फिर आज अब रेस्टोरेंट है, बट हमने अपना नाम नहीं चेंज किया कभी। वही रहा भैया, सबसे ज्यादा लोग क्या खाने आते हैं? हमारी काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं। मेन नॉनवेज में मैं आपको बताऊंगा, काली मिर्च चिकन हमारा बहुत फेमस है। मतलब अभी जो गैदरिंग है आधे ज़्यादा लोग तो काली मिर्च ही खा रहे हैं दोस्तों। मतलब आप समझ लीजिए, अगर हमारे पास 10 टेबल्स आते हैं तो उसमें से 6 से 7 काली मिर्च के ही रहते हैं। अच्छा। और उसके अलावा हम खीर, हमारी हांडी खीर है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। हांडी खीर दोस्तों, हांडी खीर मतलब वो तो हमने भी अभी तक टेस्ट नहीं करी कभी। हांडी खीर अभी मैं आपको टेस्ट कराता हूँ, नया है कुछ जी। मतलब बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हम हांडी को हर चीज में ला रहे हैं। हमारी चाय हांडी में है, हमारा जी हमारा जो मटन है, चिकन है, वो हम हांडी। सबसे पहले बिग थम्स अप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और फ्रेंड्स इनका स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है, उसके लिए भी बहुत थैंकफुल है आप लोगों के लिए। तो ये इन्होंने सर्व किया है मटन भुना गोश्त। तो फ्रेंड्स ये मटन भुना गोश्त और क्वांटिटी की बात करें तो ये जस्टिफाई करें अपनी प्राइसिंग को, क्योंकि क्वांटिटी इनकी हाफ के हिसाब से बहुत अच्छी है और मटन 2 पीस बिग इनफ होता है 1 पीपल के लिए और बाकी जैसी आपकी डाइट है। तो आप देख सकते हैं एकदम डिफरेंट है इन्होंने, और ये बताया भैया ने हमें कि अभी मटन आया है, एकदम फ्रेश मटन है। तो यहाँ पे आपको फ्रेश चिकन मटन सर्व होगा, ये इनका बहुत प्लस पॉइंट है। ये इनकी बिरयानी है जो कि डिफरेंट है, इनकी अपनी खुद के स्टाइल की ऑब्वियसली अवधि नहीं है, ये ढाबा स्टाइल बिरयानी इन्होंने बना के हमें सर्व की है। और ये देखिए दोस्तों, जो आजकल हम सबका ट्रेंड कह लो या फेवरेट बना हुआ है, चिकन हांडी, ऊपर तेल पूरी तरह से दिख रहा है। और ये रहे चिकन के पीसेस, आपको दिखाते हैं। और इसको भी हम कहेंगे कि यस क्वांटिटी इज़ गुड, और 2 लोगों के लिए ये खाना नहीं है क्योंकि हमें आप तक ये चीज़ पहुंचानी है इनकी क्वांटिटी और टेस्टिंग, तो इसलिए ये क्वांटिटी हमने मंगाई है। बट ये खाना एक्चुअली में 4 लोग बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, ये बस स्टार्टर मिला के। तो फटाफट से आप शुरू करेंगे, साथ में हमने मंगाई है इनकी ये तवा रोटी जो एकदम घर जैसी है, और एक साथ में तंदूरी रोटी, और ये लोग गरम गरम सर्व करते हैं। आप लोग को बताने के चक्कर में मेरा तो ठंडा हो जाता है खाना, लेकिन गरम गरम आपको मिलेगा। तो ये रहा मेरा चिकन मसाला, नहीं चिकन हांडी, जिसमें अच्छी खासी सी ग्रेवी है, और इसे हम टेस्ट करेंगे और रोटी के साथ, और लेंगे यहाँ से हम मटन। ये दोस्तों ये ही तैयार, ये एकदम जो घर में नहीं हम लोग हांडी में बनाते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया चिकन हांडी, 10/10 मतलब बेस्ट चिकन हांडी यार, जो आजकल आपको माइंड में सोचते हैं ना बिहार का चंपारण चिकन, लाइक अभी तक हमने रेस्टोरेंट में हांडी इससे बेहतर नहीं खाई दोस्तों, ज़रूर ट्राई करिएगा इनकी काली मिर्च और हांडी 10/10। कोई निगेटिव कॉमेंट इसके लिए हम कर ही नहीं सकते, ये अपने आप में कम्प्लीट चिकन, सच में फ्रेश है। जो मसाला इन्होंने डाला है हांडी का, बहुत बहुत बड़ी विजिट करिए, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, ऑनर बहुत प्यार है, उससे बड़ी बात जो वो सर्व कर रहे हैं आपके पास वो एकदम एक नंबर है। वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, चाइनीज खाओ, जो भी खाओ, ब्रेक पॉइंट आकर खाओ। साथ ही साथ इनकी इंस्टाग्राम आईडी के नीचे आपको दिख रही होगी, break_point_dhaba, उसको भी फॉलो कर लेना। और इसी के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो, हम खाएंगे अब यहाँ पे अपना खाना और फिर जाएंगे घर, और मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए रूट्स ब्लॉग, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।